वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2 आरबीएससी। ठीक है, तो बुक निकाल लो और सभी बुक्स में देखो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार आपको मैं बता दूँ वापस, इसमें कंसेप्ट कौन से काम आएंगे 14.2 में। इसमें कंसेप्ट काम में आएंगे, पहला तो आएगा एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, जो कि सदिश के समांतर है। याद आ रहा है आपको, आर सदिश बराबर ए प्लस लेमडा बी सदिश। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ठीक है, वो लेक्चर देखना जरूरी है आपको, तब एक्सरसाइज आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और कार्तिक रूप बताया था क्या, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये ए बी सी क्या चीज़ है, रेखा के दिक्कत अनुपात। यहाँ पर ये ए सदिश क्या चीज़ है, वो बिंदु जिसमें से रेखा गुजर रही है। बी क्या है, रेखा के समांतर सदिश, तो रेखा के समांतर सदिश होगा वो। और एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, बिंदु है जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है। भाई ये कार्तीय रूप हो गया, ये सदिश रूप हो गया। दूसरा हो गया दो बिंदु से गुजर रेखा का समीकरण, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। क्या बताया था, याद है क्या आपको, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए सदिश, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको। हाँ, तो मैं शॉर्ट वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉन्सेप्ट तो यही है। एक मैंने बात आई थी, अगर दो रेखाएँ समांतर हो तो इसके अधिक अनुपात में, अगर दो ए बी सी है मान लो, तो इसके अधिक अनुपात भी क्या होंगे, ए बी सी समांतर रेखाओं के अधिक अनुपात सेम होते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, मैं से कह दूँ, मान लो रेखा एक्स माइनस एक बटा दो, वाई माइनस तीन बटा दो, जेड माइनस एक बटा पाँच। इस रेखा के समांतर रेखा बताओ, इस रेखा के जो रेखा बिंदु एक दो तीन से गुजर रही है, किसे गुजर रही है, तो बिंदु आपको क्या दे दिया, एक दो और तीन, तो एक्स माइनस एक वाई माइनस दो जेड माइनस तीन, बिंदु दे दिया आपको। और इसके समांतर है, इसके समांतर का मतलब क्या, जो इसके दिक्कत अनुपात है ना, वही आप यहाँ दिक्कत अनुपात काम ले लोगे, दो दो पाँच ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज चलते हैं अपन। ये तो रफली बताया मैंने आपको, थोड़ा सा दिमाग चल जाए आपका, एक्सरसाइज में आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप 14.2 का। बोलो भाई, आपको दे रखा है बिंदु 5, 7, 9 से गुजरने वाली उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दे रखा है ना, जो निम्न अक्षों के समांतर है। पहला पॉइंट है एक्स के समांतर है, दूसरा वाई एक्स के समांतर है, तीसरा जेड एक्स के। देखो, एक तो आपको बिंदु दे दिया, ठीक है, और एक आपको क्या देना चाहिए, मैंने कहा दो चीज़ आपको देगा अगला, अगर रेखा का समीकरण निकालना है तो दो चीज़ आपको देगा, या दोनों ही बिंदु दे देगा, या एक बिंदु देगा और एक क्या देगा, समांतर सदिश। क्या देगा, समांतर। अब आपको बता, बिंदु दे दिया क्या, 5, 7, 9 दे दिया गया, समांतर सदिश क्या दिया, जैसे पहला पॉइंट लेते हैं, क्या दे दिया, एक्स एक्स। एक्स एक्स के लिए सदिश क्या बनता है भाई, एक्स एक्स के दिक्कत अनुपात क्या होते हैं, 1, 0, 0, और एक्स एक्स सदिश बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई केप प्लस 0, j k प्लस 0, k k, तो वो सब तो लिखो ही मत, सिर्फ आई केप भी आप ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो क्वेश्चन है उसे वो बिंदु क्या दे रखा है, बिंदु क्या दे रखा है, 5, 7, 9। ठीक है, यहाँ से अब देखो आपके दिमाग में आ रहा है, सर कौन से रूप में निकाले, सदिश रूप में या कार्तीय रूप में, कोई सा रूप लगा लो आपकी इच्छा है, आपको जो उचित लगे वो आप निकाल सकते हो। अगले ने कहा नहीं है क्वेश्चन वाले ने किस रूप में आंसर निकालो, नहीं कहा ना, तो आपको जो उचित लगे वो निकाल लो। ये अगर बिंदु दे रखा है तो मुझे बताओ बिंदु के स्थिर सदिश क्या बनेगा, स्मॉल ए का मान क्या बनेगा, 5 प्लस 7j 9k। अच्छा, किसके समांतर है पहले पॉइंट के अंदर, चूंकि एक्स एक्स समांतर है और एक्स एक्स के लिए सदिश क्या बनेगा, उसको मैंने बी सदिश नाम दे दिया, सिर्फ आई के, चाहो तो 0j 0k लिख सकते हो। और एक्स एक्स दिक्कत बात क्या होते हैं, 1, 0, 0 और वाई एक्स के 0, 1, 0 और जेड एक्स के 0, 0। ठीक है, इसे लेते हैं ना अपन। ठीक, चलो फिलहाल मैं ये दोनों हटा देता हूँ। बताओ क्या है इसका सदिश, आई के। बताओ रेखा का समीकरण क्या हुआ, रेखा का समीकरण सदिश रूप में लेता हूँ, बता क्या बनेगा, आर बराबर ए की जगह कौन है, ये 5i 7j 9k प्लस लेमडा बी, बी का मान क्या, सिर्फ आई है, तो
सिर्फ वहीं लिख दो, कुछ और होता तो ब्रैकेट में लिखते अपन नाम, इतना छोड़ दो बस, यही आंसर है और कुछ नहीं करना आगे। ऐसे मत करना जोड़ते कि सर आप कुछ और करते हैं ना, इतना ही समझ मारा आपके। ये आपके रेखा का समीकरण आ गया सदिश रूप में। अब आपको सर हम तो कार्तिक रूप में निकालना चाहते हैं, कैसे निकाले? मैं कार्तिक निकालो, बिंदु क्या है 5, 7, 9, तो आप लिखोगे -5 -7 और -9 बटा ABC। ABC कौन? XX के दिक अनुपात क्या होंगे? अब आप ये मत कहो सर ये 0 बट्टा में अनंत बन जाएगा ना ये, अरे हम तो समीकरण लिख रहे हैं तो अनंत बनाने को देख कौन रहा है, हम अनंत नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ समीकरण बना रहे हैं, समीकरण ऐसी बनेगी, समझ रहे हो मेरी बात? ये भी काम में ले सकते हैं, ये भी काम में ले सकते हैं, ये आप लिख दिया, क्लियर है? अब बताओ इसका दूसरा पॉइंट आप कर सकते हो ना, YX के दिक अनुपात 0, 1, 0 काम में ले रहा हूँ, ZX 0, 0, 1 काम में लेना, और ऊपर वाला बिंदु वही काम में लेना, सेम टू सेम है ना। दूसरा क्वेश्चन, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिर सदिश दे रखा है, अच्छा 2i-3j और 4k मतलब बिंदु दे रही है ये, से गुजरती है तथा सदिश 3i+4j और 5k के समांतर है, इसका कार्तीय रूप में रूपांतरण कीजिए। कर लो ये क्या भाई, एक तो आपको बिंदु दे दिया और दूसरा क्या दे दिया, समांतर सदिश दे दिया, तो r = a + λb लिख दोगे आप, लेकिन आपको कार्तीय रूप में कन्वर्ट और करना है लास्ट में, तो कर दोगे? नहीं कर सकते क्या सदिश रूप कार्तीय रूप में? ठीक है आगे बढ़ो। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो, ये स्टार्ट तो है क्या? ठीक है, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i-j + 3k के समांतर है, समांतर सदिश दे दिया गया आपको, और बताओ आगे एक बिंदु भी दे दिया गया, बिंदु 5-2, 4 से गुजरता है, बोलो कर सकते हो क्या? एक आपको बिंदु दे दिया है, एक आपको समांतर सदिश दे दिया, सेम ही कंसेप्ट चल रहा है भाई, ए का मान दे दिया और बी का मान दे दिया, ये तो बिंदु हो गया और ये आपके समांतर सदिश हो गया, लगा दो r = a + λ और बी का जो भी सदिश है वो इंटू में आ जाएगा इसके ब्रैकेट में, समझ रहे हो? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-1 और 1 ये दे दिया बिंदु से गुजरती है, पहली बात बिंदु दे दिया ना आपको, अरे दे दिया नहीं दे दिया, ठीक है आगे आ जाओ, तथा एक रेखा और दे रखी है x-3/2 y+1/7 = z-2/-3 के समांतर है, भाई समांतर होने का मतलब क्या हुआ, उसके दिक अनुपात अपनी रेखा में हम काम में ले सकते हैं क्या, तो दिक अनुपात उसके क्या है 2, 7-3, दिक अनुपात उसके काम में ले लेंगे, बिंदु अपने वाला काम में ले लेंगे, तो रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा भाई, बिंदु क्या है 2-1, 1 चार नंबर है क्या, बिंदु क्या है 2-1, 1 ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि रेखा बिंदु इससे गुजरती है, ठीक है गुजरती है तथा रेखा किसके क्या दे रखी है, रेखा x-3/2 y+1/7 z-2/-3 के समांतर है, तो समांतर होने का मतलब क्या हुआ, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमेशा कैसे बिंदु तो ही हो गया x-2 y-1 है तो +1 हो जाएगा और z-1/ABC ABC इसके समांतर है क्या, तो समांतर रेखा के दिक अनुपात समान होते हैं, तो ये दिक अनुपात काम में ले सकता हूँ मैं 2, 7-3 ये आपके आंसर आ गया भाई, समझ आया नहीं आया, आगे बढ़ो। आगे क्या कह रखा है, कहाँ कह रखा है, चौथे बंदे ही कह रखा, अच्छा सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, कार्तिक आ गया ना, अरे कार्तिक सदिश बना लो, क्या दिक्कत है, सदिश रूप के लिए बिंदु आपको है ही, सदिश एक काम ले लेंगे, तो a आप ले लो ये 2i-j + k ठीक है, और b सदिश बराबर ले लो 2i+7j-3k ठीक है,
ये आपको दे दिया। अब बताओ सदिश रूप में निकाल सकते हो क्या? तो रेखा का समीकरण क्या हुआ? ये भी हो गया रेखा का समीकरण। और सदिश रूप में रेखा का समीकरण अरे कर लोगे ना आगे इसको आर बराबर ए प्लस लेमडा बी ये लगा देना। ठीक है आगे बढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 5। एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है तो रेखा का सदिश समीकरण याद करो, उसको बदल लो, कन्वर्ट करना आता है, ये बिंदु कैच कर लो और नीचे वाला जो दिग रूपा दे रखा है वहाँ से सदिश बना लो। ठीक है आज्ञा जो ये मैंने सिखा रखा आपको है ना। उस रेखा का छठा क्वेश्चन, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से तो गुजरता है और तथा एक रेखा के समांतर है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया, एक बिंदु जा रहा है इस रेखा के समांतर है, अभी क्या ना पढ़े 4 नंबर सेम है। आगे बढ़ो 7वां, समान चतुर्भुज ए बी सी डी के 3 शीर्षों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, एक आधे रेखा है बी रेखा सी रेखा है। ए बी और बी सी सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी एक रेखा हो गई ना और बी सी एक रेखा हो गई, इसका सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना रेखा का। ठीक है आइए याद करो आगे क्या दे रखा है और डी के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। छठा ना सातवां, छठा सातवां सातवां समांतर चतुर्भुज है क्या? समांतर चतुर्भुज, चलो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो ए कितना है ये बताना, ए कितना है? 4, 5, 10। बी कितना है? 2, 3, 4। 2, 3, 4। और सी कितना है? 1, 2, -1। 1, 2, -1। और डी कितना है ज्ञात करना है, तो इसको मैं x1, y1, z1 या ए बी सी कह दो, चलो ए बी सी कह सकता हूँ ना। ठीक है पहले पहली बात निकालते हैं अपन, पहली बात क्या है? रेखा ए बी का समीकरण। मुझे जल्दी से बताओ एक बात, ए बी दिख रहा है आपके, आपको ए बी कितने बिंदु दिख रहे हैं? तो ये दो बिंदु वाली रेखा का समीकरण नहीं हुआ क्या? दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, तो दो बिंदु इसको ए मान लो और इसको बी सदिश से काम में ले लेंगे। तो सूत्र क्या होता है? आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, अरे आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ऐसा ही होता है ना। या कार्तीय रूप में निकालना है, कौन से रूप में निकालना है? दोनों में निकालना है, चलो दोनों में निकाल लेते हैं। पहले सदिश रूप निकालते हैं, तो आर बराबर ए कितना हुआ? ये 4i। अब आप उसे ये लेना है कि कुछ जरूरी नहीं है, इसको भी आप ए ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, यहाँ पर ना 4i प्लस 5j प्लस 10k प्लस लेमडा बी की जगह ये 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस ए की जगह वापिस ये घटा दो 4i या 4i 5j 10k हेलो दिख रहा है क्या ये? ठीक है बताओ भाई, आर बराबर जो भी बनता है वो अपन लिख देते हैं, आर बराबर ये आगे बढ़ते ऐसा कैसा 4i प्लस 5j 10k लेमडा ऐसा कैसा 2i और माइनस 4i घटेगा तो माइनस का 2i, 3j में से माइनस 5j घटेगा माइनस का 2j, 4k में से 10k घटेगा माइनस का 6k। आप चाहो तो माइनस 2 भी कॉमन आ रहा तो आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है और कॉमन लेके से शो कर सकते हो, r बराबर क्या आ गया भाई 4i 5j 10k ये तो ऐसा कैसा माइनस का 2 लेमडा इक्वल आई प्लस j और प्लस का 3k। ठीक है अब आपको सर आंसर आ गया, आंसर तो आ गया पर बुक में आपको ऐसा आंसर दिखेगा नहीं। ठीक है बुक वाला क्या करता है मैं बताता हूँ ध्यान देना, r बराबर क्या बना 4i 5j प्लस 10k ऐसा कैसा, ये माइनस 2 लेमडा है ना, है तो कॉन्स्टेंट ही, और लेमडा क्या चीज़ है कॉन्स्टेंट, और 2 लेमडा भी क्या होता है, और माइनस 2 लेमडा भी क्या होता है,
तो इस कॉन्स्टेंट को उसने एक नया नाम दे दिया अपनी तरफ से, कुछ भी दे सकता है वो नाम, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आप इस माइनस दो लेमडा को मान लो, आपने नाम दे दिया म्यू, क्या नाम दे दिया म्यू, तो म्यू लिख दो इसकी जगह, और ये आई जे तीन के, चलो बुक में इस टाइप का आंसर आपको मिलेगा। ये कौन सा रूप आ गया, सदिश, तो लिख देना आप रेखा एबी का सदिश रूप में समीकरण। अब बताओ सदिश रूप में आ गया तो कार्तीय नहीं लिख सकते इसको ही, अरे कार्तीय बदल सकते हो ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको कार्तीय बदल देना आगे। अच्छा कार्तीय बदलोगे, ये सदिश समीकरण आ गया, वो कार्तीय समीकरण आ जाएगा। कार्तीय समीकरण आने के बाद में फिर आपको बी सी का समीकरण भी ऐसे ही निकालना है, सेम प्रोसेस, बी और सी दो बिंदु है, अरे निकाल लोगे ना, तो वो चीज़ मैं करा नहीं रहा हूँ भाई, ये मैं जगह छोड़ रहा हूँ उसके लिए, तेर लगा के, ठीक है, एरो लगा के छोड़ रहा हूँ। तो आपको बी सी का समीकरण भी सदिश और कार्तीय रूप में निकालना है, दो बात। तीसरी बात क्या पूछी है, अब बताओ आपको कोई समांतर चतुर्भुज के तीन शीर्ष दे रखे हो, चौथा शीर्ष कैसे निकालोगे बताओ, ऐसा क्वेश्चन आप टेंथ क्लास में देख के आए होंगे मेरे ख्याल से, कोऑर्डिनेट के अंदर। भैया तो आप ऐसे कर लो, इसका विकिरण और ये विकिरण, इसका मध्य बिंदु ले लो, दोनों का मध्य बिंदु सेम ही होगा, इसका मध्य बिंदु इक्वल टू इसका मध्य बिंदु, ए बी ए सी का मध्य बिंदु इक्वल बी डी का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु आप काम में ले सकते हो, ले सकते हो ना, उस मध्य बिंदु से एक अपने और शॉर्ट तरीका बना सकते हैं अपन। मान लो मेरे को बिंदु डी के निर्देशांक चाहिए, तीसरा पॉइंट लेता हूँ मैं, दिख रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, डी के निर्देशांक लिए क्या करना है, सीधी सीधी बात सुनना, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाले शीर्षों को जोड़ दो, वो बराबर होंगे, जैसे कि मैं कह दूँ ये कौन है ए, इसके सामने कौन है एक्स के स्थान पर, एक्स का मान ये वाई कार्य जेड का, तो एक्स के स्थान पर यहाँ कौन है, तो इन दोनों को जोड़ लो, यानी हो गया ए प्लस दो, फिर बराबर का चिन्ह लगा दो, इन आमने सामने वाले को जोड़ दो, बताओ चार प्लस एक, बोलो भाई यहाँ से ए का मान कितना बना, पाँच में से दो गया, ए बराबर तीन, अरे समझ मारी बात आपके, ये अपन काम में ले सकते हैं। अब बाकी मेन तरीका तो वो है ही, मध्य बिंदु बराबर कर दो दोनों का, वो थोड़ा लेंथ जाएगा इसलिए मैं तो छोटा बता रहा हूँ। अच्छा ऐसे ही वाई वाला मान ले लो, ये बी है इसका तीन, तो आ गया बी प्लस तीन, और उधर क्या आएगा पाँच प्लस दो, पाँच प्लस दो, तो ये तीन घटेगा सात में से कितना आएगा चार, बी बराबर आ गया चार, समझ रहे हो। ऐसे ही तीसरा सी प्लस चार, सी प्लस चार इक्वल दस, और ये माइनस एक हो जाएगा, बोलो भाई क्या आया, नौ में से चार गया पाँच, सी बराबर पाँच, ठीक है, अतः बिंदु डी आ गया तीन चार पाँच, समझ रहे हो आप, अतः बिंदु डी क्या आया, अतः शीर्ष डी तीन चार पाँच है, बोलो क्लियर आपके यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन मैंने बीच में एरो लगा के छोड़ा नहीं, ये यहाँ से कई जगह मैंने छोड़ दी है, एक तो कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना है, फिर बी सी का समीकरण निकालना है, वो भी सदिश रूप में निकालना है, फिर कार्तीय रूप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपने यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो फटाफट बोर्ड वाला नोट कर लिया जाए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, आठ नंबर, एक रेखा कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, तीन एक्स प्लस एक, तीन एक्स प्लस एक बटा कुछ नहीं है बराबर छः वाई माइनस दो वन माइनस जेड। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रखा है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से है गुजरती है, साथ ही इसके दिक अनुपात तथा सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु पकड़ना है, दिक अनुपात पकड़ने हैं, ठीक है, बिंदु दिक अनुपात आ गया, सदिश समीकरण वैसे ही बना लेंगे, तो बिंदु दिक अनुपात कैसे पकड़े, अब बताओ इसके दिक अनुपात क्या है, इसके बट्टा में एक एक लगा सकता हूँ कैसे, तो दिक अनुपात क्या हो गए, एक एक एक, अरे एक 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 क्या नहीं, गलत है, ये बात दिमाग में नहीं रखनी है, आप सोचो कि बट्टा में एक लगाते तो एक 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 दिक अनुपात हो गया, अब वो सर होगा क्यों नहीं, बट्टे में एक तो सब के नीचे आते हैं, आता तो है, उसके लिए मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमने जो समीकरण पढ़ा हुआ है बट्टा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, तो यहाँ जो एक्स था ये क्या था, एक्स था अकेला, ये थोड़ी था तीन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, ऐसा पढ़ाया क्या अपन ने, तो यहाँ तीन एक्स कैसे है, तो इसका इलाज करना पड़ेगा, समझे मेरी बात, यहाँ छः वाई कैसे है,
और यहाँ एक माइनस जेड कैसे, यहाँ जेड पीछे क्यों आ रहा है, हमने जो पढ़ा है वैसे पढ़ा, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, तो जेड आगे आ रहा है, जेड वन पीछे आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात है? तो ऐसा तो नहीं, जेड वन माइनस जेड अपॉन सी ये तो पढ़ा ही नहीं अपन, इसमें जेड पीछे आ रहा है तो उसको आगे लेके आना पड़ेगा, तो कई बातें हम लोग ध्यान करनी है पहले। तो अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना, हाँ सबसे पहला काम इसमें आ जाओ, अक्स अकेला करना है, अकेला कैसे होगा, तीन ज़बरदस्ती कोमल ले लो, आ नहीं रहा फिर भी ले लो, कोमल लेना था ज़बरदस्ती, तीन कोमल लिया, यहाँ क्या बचा अक्स, और यहाँ क्या बचा एक बट्टे में तीन आ जाएगा, क्यों तीन इसके पास था नहीं, फिर भी कोमल लिया तो बट्टे में आ जाता है, बराबर छः ज़बरदस्ती कोमल लेंगे क्या बचेगा भाई, माइनस दो बटा छः, सही है, और यहाँ पर माइनस एक कोमल लेंगे ताकि जेड प्लस का हो जाए, एक माइनस का हो जाए, यहाँ तक समझ आ रही बात आपकी? अच्छा अब इनके बट्टे में आप चाहो तो एक लगा दो, एक तो सबके बट्टे में होता है, अच्छा ये तीन दिख रहा है क्या, ये ऊपर वाले के साथ गुणा में है क्या, तो नीचे वाले का आएगा अपोन में, तो आप क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक बट्टा तीन बट्टा एक बट्टा तीन, ये नीचे आएगा इसके से, ये क्या आएगा वाई माइनस, ये कट के एक बट्टा तीन बन गया भाई, बट्टा एक है ये, छः का आएगा इसके नीचे, और ये माइनस एक है ये भी इसके नीचे आएगा, तो बचेगा जेड माइनस एक बट्टा एक बट्टा माइनस एक, यानी माइनस एक हो गया वाला हो रही है, समझ में आ रहा है क्या आपके? ठीक है तो अब आपको बिंदु दिख गया होगा मेरे ख्याल से, अधिक अनुपात दिख गया होगा, ये है अधिक अनुपात, पर इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बताऊँगा व्यवस्थित कैसे करते हैं। तो बिंदु क्या हुआ, रेखा पर स्थित बिंदु, बोलो माइनस एक बटा तीन, चिन्ह मतलब कि बोलना है, प्लस है तो माइनस बोलेंगे, ये माइनस तो प्लस बोलेंगे और ये प्लस बोलेंगे, ये आपके बिंदु हो गया, ठीक है, दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात क्या हुआ बताओ, एक बटा तीन एक बटा छः माइनस एक, चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बुक के अकॉर्डिंग अगर चले आंसर मिलाने के लिए, तो एक बात आप छोटी क्लास में पढ़ गए हो, दिक अनुपात नाम क्या रहा पीछे, अनुपात, एक नॉर्मली रफ कर देता हूँ मैं इधर, कोई मैं आपको अनुपात दे दूँ एक बट्टा छः माइनस एक, ये बट्टे में आ रहा है मान लो, इस बट्टे वाले अनुपात को मैं सीधा सिंपल बनाना चाहता हूँ, बट्टे में नहीं रखना चाहता, तो क्या करते हैं इसके लिए बताओ, अपोन में क्या है, अपोन में क्या है, अपोन में क्या है एक, इन तीनों को एलसीएम लेते हैं अपन, क्या लेते हैं तीन छः और बट्टा एक का एलसीएम लेकर क्या आया छः आया, उस एलसीएम से इन सबको गुणा कर देते हैं, कर दिया बताओ ये कितना बना, कट के दो, ये कितना बना एक, ये कितना बना, ये अनुपात भी हम काम में ले सकते हैं इसी जगह, राय के पास समझ में, तो मतलब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, वन अपॉन थ्री इंटू सिक्स, सिक्स कौन है नीचे वाले का एलसीएम, फिर वन अपॉन सिक्स इंटू सिक्स और माइनस वन इंटू सिक्स, सिक्स से कटेगा तो आ गया दो एक माइनस छः, ये आपके दिक अनुपात काम में आप ले सकते हो, समझे बात? अब बताओ रेखा का समीकरण निकाल दोगे सदिश रूप में, रेखा का सदिश रूप में कर लोगे, तो आर बराबर ए, ए की जगह तो ये बिंदु काम में लोगे, प्लस लेमडा बी की जगह ये दिक अनुपात काम में लोगे, अरे कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, नवा, देखो क्या है नवा क्वेश्चन, कह रहा है एक बिंदु दे रखा है क्या, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस सदिश के समांतर है, तो सिंपल बात आ गई, एक बिंदु दे दिया और एक समांतर सदिश दे दिया, सीधा फॉर्मूला लगा दोगे ना, आ गया जो दसवां बिंदु जिसका स्थिर सदिश आपको दे रखा है, देखा ना, से गुजरने वह एक सदिश दे रखा है, इसकी दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करो, वही बात आ गई, अरे एक तो बिंदु दे दिया और एक उसी की दिशा में नाम दे दिया, समांतर हो गया ना, तो समांतर सदिश आपको दे दिया, एक बिंदु दे दिया एक समांतर सदिश दे दिया, रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
आगे बढ़ो, 11 नंबर। एक रेखा का कार्तीय समीकरण जो बिंदु इससे जाती है, एक बिंदु जारी है उस रेखा के समांतर है। चौथे क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम हमने किया है जो, अरे वैसे है ना। आ गया जो, एक रेखा का कार्तीय समीकरण आपको दे रखा है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। अरे कार्तीय को सदिश में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? आ गया जो। 13, मूल बिंदु और 5-2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे? अरे दो बिंदु दे दिए, एक दे दिया मूल बिंदु 0-0-0 और एक बिंदु दे ही दिया 5-2, 3, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है अगला अपने से, निकाल लेंगे। आ गया जो। 14, क्या दे रखे? दो बिंदु दे रखे हैं क्या? इनसे गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है, कर लोगे? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और है क्या इसमें क्वेश्चन? ये इतना ही है, चलो इतनी एग्जाम्पल देखो भाई। इससे पहले एग्जाम्पल है, देखो निकालो कहाँ से स्टार्ट है। 6 से क्या? 6 नंबर एग्जाम्पल देखो भाई, क्या आप कर सकते हो? एक बिंदु दे रखा है, एक समांतर सदिश दे रखा है, रेखा का समीकरण निकालना है, निकालोगे सदिश और कार्तीय रूप दोनों में। 7वां एग्जाम्पल, दो बिंदु दे रखे हैं क्या? इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण दो बिंदुओं वाली, कर लोगे? आगे बढ़ो। 8वां, ये देखो क्या दे रखा है, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए दे रखा आपको, इससे तो गुजर रही है, ठीक है, और जो बिंदु बी दे रखा है और एक सी दे रखा है को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, रेखा कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? चलो ध्यान देना, एग्जाम्पल कितना है? एग्जाम्पल 8। एक डायग्राम बनाता हूँ, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो किससे गुजर रही है? एक बिंदु से। बिंदु ए क्या है? तो ये आपको एक बिंदु दे दिया। अगर मेरे को इस रेखा के दिग्नुपात मिल जाए तो अपन कर सकते हैं ना। अब दिग्नुपात कैसे मिलेंगे? अब बताओ और क्या कह रखा है? बी और सी दो बिंदु है क्या? इनको मिलाने वाली रेखा के समांतर अपनी वाली रेखा ये है, और ये कोई दूसरी रेखा है, दो बिंदु है बी, कितना है बी बताना? बी माइनस एक, हाँ, प्लस 4 और एक, और सी 1-2-2, ये रेखा है, ठीक है, इसके समांतर अपनी रेखा है, तो क्यों ना अपने इसके दिग्नुपात निकाले दो बिंदुओं से, जो इसके दिग्नुपात होंगे वही उसके दिग्नुपात होंगे, अरे होंगे नहीं होंगे, समांतर रेखाओं के दिग्नुपात समान होते हैं, तो इसके दिग्नुपात क्या निकलेंगे? बी सी के दिग्नुपात, हाँ, दिग्नुपात कैसे निकलते हैं? a=x2-x1 याद है आपको, तो x2-x1 होगा 1 और माइनस, ये माइनस 1, 2-4 और 2-1, तो कितना बन गया भाई? 2-2 और 1, ये आपके दिग्नुपात आ गए, BC के दिग्नुपात, इसलिए ठीक है, बिंदु A से गुजर हुई रेखा के दिग्नुपात, बिंदु ए से, वैसे आप कांड लिख देना भाई अपनी वाली रेखा इसके समांतर है, कांड लिख सकते हो आप, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है इसलिए, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा के दिक अनुपात समांतरों की वजह से क्या बाबू? 2-2 और 1, सही है, तो बताओ रेखा का समीकरण निकाल दोगे आप? रेखा का सदिश समीकरण, पहले सदिश पूछा है फिर कार्तीय निकालना है, पहले सदिश निकाल लोगे ना आप, तो दिक अनुपात आपके पास में आ गए, बिंदु ये है, ये वाला बिंदु कहाँ में लेना है, कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। 9 नंबर, एक रेखा कार्तीय समीकरण, वो वैसे भी किया था ना अपने, वैसे दे रखा है, रेखा के दिक अनुपात, उस रेखा के कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे जाती है, और दी गई रेखा क्या है? समांतर है, ये तो बहुत ईजी है भाई। पहला काम क्या करना है, आपको रेखा दे रखी है 6x-2, 3y+1 और 2z-2, पहले व्यवस्थित करना है अपने को,
व्यवस्थित, वो जबरदस्ती कॉमन लिया था ना अपने, एप्लीकेशन किया था वैसे जबरदस्ती को ये वाला ऐसे ऐसे व्यवस्थित करके पहले दिक अनुपात निकाल लो, जैसे यहाँ निकाल दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात ये मान लो आप 2, 1, -6 निकाले, ऐसे निकाल सकते हो ना आप। चलो दिक अनुपात मेरे पास आ गए, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, उस रेखा का कार्तीय सदिश, कार्तीय और सदिश समीकरण ज्ञात करना दोनों ही, जो इस बिंदु से गुजरती है और अपने वाली रेखा के समांतर है। तो अपने वाली रेखा के समांतर तो जो हमने जो दिक अनुपात निकाले ना, ये वाला दिक अनुपात काम में लेंगे, और बिंदु अगले ने दे रखा है, अरे बिंदु अगले ने वो बिंदु लेंगे, दिक अनुपात ये लेंगे और रेखा का समीकरण निकाल देंगे। बोलो निकाल सकते हैं क्या, कोई समस्या नहीं है? और बस इतना ही है। चलो आप यहाँ तक नोट कर लो, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.3 में। तो इसके कंसेप्ट बता दूं मैं, हालांकि मैंने सब सिखा रखे हैं, पीछे वाले जस्ट पीछे वाले लेक्चर देख लेना आप, उसमें सब बता रखे हैं मैंने। इसमें कंसेप्ट काम आएगा दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं मध्य कोण वही था जो दो समतल के मध्य था, याद आ रहा है कोस थीटा, ठीक है। अगर दो रेखा है तो उनके सदिश एक का B1 हो गया, दूसरी रेखा का सदिश B2 हो गया, अपॉन मोड B1 मोड B2, ऐसे बताया था ना मैंने आपको। यहाँ से थीटा निकलेगा, कोण दो बनते एक थीटा और दूसरा पाई माइनस थीटा ले लेंगे अपन, समझो मेरी बात। अच्छा इसके अलावा कार्तीय रूप में बताया था मैंने, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मोड √A² A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, √ के अंदर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ये सब मैंने करा रखा विस्तार से, ठीक है। इस ऊपर मैंने केस बताए थे, यदि दो रेखाएं लंबवत हो, L1 लंबवत, दो रेखाएं लंबवत हो तो उस केस में क्या बनता है, ये देखो थीटा इक्वल 90 है तो ये बनेगा कोस 90 का मान 0, ये इधर आ गया तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0, ये कंसेप्ट हमें ज़्यादा काम में आएगा, लंबवत नाम देते ही चिपका देंगे, ठीक है। तो इतनी बात करते हैं अपन, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा क्योंकि पूरे कंसेप्ट में बता रखे हैं आपको, तो देख लेना एक्सरसाइज में आ जाओ 14.3। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है। क्या आपको दो रेखाएं दे रखी है? पहली रेखा देखिए, R = 2i - 5j प्लस k प्लस λ 3i प्लस 2j प्लस 6k, और ऐसी दूसरी रेखा देखिए, R = 7i - 6j और प्लस μi प्लस 2j प्लस 2k। दो रेखा है ना, तो आप दो सिंपल सी बात था, दो दोनों रेखाओं में से पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। पहली रेखा है उसका सदिश क्या है बताओ जल्दी से, कोई भी रेखा है उसमें एक तो बिंदु और एक सदिश है, बताओ सदिश क्या है इसका, जो लेमडा के साथ आया है, क्या 3i प्लस 2j और प्लस 6k, ये कौन है, बी का मान। अब क्योंकि रेखा दो है तो एक को मैं B1 कहूँगा और दूसरी रेखा वाले को मैं B2 कहूँगा, तो पहली रेखा का सदिश हो गया B1, कितना है 3i + 2j + 6k, बढ़िया। दूसरी रेखा का सदिश बताओ मुझे, जो म्यू के साथ आ रहा है, म्यू के साथ आ रहा है, i + 2j + 2k, ये लो भाई, ये मेरे पास दोनों सदिश आ गए। आपको क्या निकालना, दोनों के मध्य रेखाओं मध्य कोण निकालना है। अब कोण के लिए मैंने दो सूत्र बताया आपको, या तो आप सदिश रूप लगाओ या आप कार्तीय रूप लगाओ, वो आपकी इच्छा, कौन सा लगाना चाहते हो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छा है, अगला कहेगा भी नहीं कार्तीय रूप लगाओ या सदिश रूप लगाओ, तो आपको जो आता है वो आप एक लगा सकते हो। चलो मैं इसमें सदिश रूप लगा देता हूँ, तो कोस थीटा इक्वल क्या सूत्र होता है, B1 / B2 अपॉन mod B1 और mod B2 का मॉडुलस, ये खाली थीटा का मान निकलेगा, मैं दूसरा कोण भी निकालूंगा। चलो बताओ कोस थीटा इक्वल B1 / B2 सीधा इंटू कर दूँ क्या, बताओ 3i का i से इंटू किया 3, 2j का 2j से किया 4, 6k का 2k से किया 12, ऊपर तो ये आ गया, नीचे आ जाओ, B1 का मॉडुलस निकालना आता है ना सदिश का, 9 और 4 13 और 36 49 का √ करना है तो इसका माना जाएगा 7, और इनटू में B2 है 1 और 4 5 5 और 4 9 9 का √ हो गया 3, रसम मारा है क्या। चलो भाई ऊपर कितना बढ़ गया, 19/21 कोस थीटा इक्वल 19/21, तो थीटा इक्वल कोस इनवर्स 19/21
इक्कीस, पॉजिटिव है इसलिए मॉडुलस हटा दिया मैंने, ठीक है। ये कोण आ गया, तो कोण आपके क्या आया, कोण बराबर एक तो आ गया कोस इनवर्स 19/21, और दूसरा क्या आया तथा पाई माइनस कोस इनवर्स 19/21। हालांकि आपकी बुक में अगला एक ही क्वेश्चन लेके आंसर लेके चल रहा है, दूसरा लेके नहीं चल रहा है, जबकि रेखा के अंदर दो कोण बनते हैं, ये मैंने बताया था कारण आपको, ठीक है। तो दोनों आपको शो कर देना है, क्लियर है एकदम बड़े ढंग से। तो कोई भी दो रेखा या दो आप ऐसे निकाल सकते हो ना आप कोण। चलो आगे बढ़ो, निम्नलिखित रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, वही बात आ गई, दो रेखा दे रखी है क्या, एक बार कार्तीय रूप में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहो तो पहले कार्तीय को सदिश रूप में बदल लो, बदलना आता है क्या, फिर आपके वही सवाल बन जाएगा सेम टू सेम, ऐसे ही कर सकते हो। आप कहोगे नहीं सर हम तो कार्तीय में ही रखना चाहते हैं, कार्तीय में निकालना चाहते हैं, तो मुझे बताओ पहले रेखा का अधिक अनुपात क्या है, 2:2:1, वो आपके A1 B1 C1 का मान आ गया। दूसरे का क्या है 4:1:8, वो आपके A2 B2 और C2 का मान आ गया। तो कोस थीटा इक्वल कार्तीय रूप वाला सूत्र लगा दो, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बटा √A1² + B1² + C1² √A2² + B2² + C2² का मॉडुलस, कर लोगे ना ऐसे, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो, तीसरा दर्शाइए कि बिंदुओं, दो बिंदु रेखे ना से होकर जाने वाली रेखा, फिर आगे फिर बिंदुओं, फिर दो बिंदु दे रखे हैं से जाने वाली रेखा पर लंब है, तो दो रेखा हो गई ना, तो शुरू के दो बिंदु दे रखे हैं उसकी रेखा, तो उसकी रेखा मतलब रेखा का समीकरण नहीं बनाना है, हमें लंबवत सिद्ध करना है। तो आप मुझे एक बात तो पहली रेखा के अधिक अनुपात निकाल सकते हो क्या, दो बिंदुओं से पहली रेखा के अधिक अनुपात निकाल सकते हो क्या, ठीक है। अगले दो बिंदुओं से अगली रेखा के अधिक अनुपात निकाल सकते हो क्या, तो पहली रेखा के अधिक अनुपात को मैंने कह दिया A1 B1 C1, और दूसरी रेखा के अधिक अनुपात को मैंने कह दिया A2 B2 और C2, कह दिया। अब दोनों को लंबवत सिद्ध करना है, बताओ कैसे करेंगे, A1 A2 + B1 B2 और + C1 C2, इसको सोल्व करके देखो जीरो बनता है क्या, अगर जीरो बन जाएगा तो लंबवत है वरना नहीं है, नहीं समझे क्या, अरे कर लो क्या कराऊँ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना बाकी इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, पांचवा आ गया, एक बिंदु दे रखा है क्या, 1:2 - 4 से जाने वाली, और दोनों रेखाओं, दो रेखा दे रखी है आपको, समीकरण दे रखे हैं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा पढ़ना है पहले, चौथा देखो, यदि रेखाएं x-1/-3 बराबर y-2/2 के z-3/2 और एक दूसरी रेखा दे रखी ऐसी परस्पर लंब हो तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ आ जाता हूँ, चार नंबर, पहली रेखा क्या है x-1/-3 z-3/2। सबसे पहला काम तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज़ देखा, और क्या रेखा व्यवस्थित है, क्या क्या व्यवस्थित है, x-1 तो x अकेला ही तो है, ऐसे नहीं इसका कि दो आ रहा हो 2x-1, अगर ऐसा होता तो हमें दो कोमल लेना पड़ता, वैसे उसको लिया था ना, फिर उसको नीचे ले जाना पड़ता, और जो आता वो नया वाला दिक्कत पर वो माना जाता, समझ रहे हो मेरी बात, तो फिलहाल ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये तो व्यवस्थित है, ये y-2 ये व्यवस्थित है, z-3 ये व्यवस्थित है, तो रेखा व्यवस्थित है, हमें व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पर कई बार बोर्ड में ऐसा होता है कि रेखा ऐसे दे दे उसको व्यवस्थित करना पड़ जाए खुद को, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ ले k का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो ये रेखा है एक नंबर, इसके अधिक अनुपात दो भी क्या है, फिर A1 = -3 2K B1 = 2K और C1 = 2। अब जो दूसरी रेखा था, दूसरी रेखा बोलो क्या है, x-1/1 और z-6/-5 ये रेखा नंबर दो है, इसके दिग्गन पता क्या है, A2 क्या हुआ माइनस कितना, -3K B2 कितना हुआ और C2, ठीक है। अब आओ बताओ क्वेश्चन वाला क्या कह रखा है, हम कहेंगे चूंकि रेखा एक लंबवत है रेखा दो के, लंबवत होने का कंसेप्ट क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल, मान रख लो A1 A2 का ये रहा, B1 B2 ये रहा और C1 C2 ये रहा, यहाँ से K का मान आप निकाल सकते हो क्या,
पक्का निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेना इसको। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर पाँच। एक बिंदु से जाने वाली और दो रेखा दे रखी है, उन दोनों पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैंने कराया था कंसेप्ट के अंदर, सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया था और उसमें मैंने दो तरीके और बताए थे आपको, दो तरीके से क्वेश्चन कराया था इसको, ठीक है। फिर भी मैं दोबारा थोड़ा बता देता हूँ इसको, ठीक है। पहले एक काम करो, इसको बोर्ड वाले को पहले नोट कर लो, थोड़ी जगह चाहिए इसके लिए ना, बोर्ड वाले को नोट कर लो, फिर ये कराते हैं। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है अभी, बिंदु क्या है, बिंदु एक दो माइनस चार से गुजरने वाली रेखा का समीकरण में चाहिए। क्वेश्चन तो ये किसका समीकरण निकालो आप, जो उन दोनों रेखाओं की लंबवत है, बात ये कहना चाह रहा है। तो फिर बताओ, एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु जाने में रेखा का समीकरण क्या होता है वैसे, एक्स माइनस एक्स वन यानी एक हो गया अपॉन ए, ए का मान मेरे पास अधिक अनुपात दिए नहीं अगले ने, तो ए लिख दो, वाई माइनस दो बटा बी, जेड माइनस चार हो गया प्लस का बटा सी, इसको आप रेखा का समीकरण कह सकते हो। एक नंबर, समझे मेरी बात, ऐसा क्यों, हम समतल में किया था, जो मैंने दो तरीके कराए थे ना समतल में था, वो एक बिंदु जाने वाला समतल था जो अन्य दो समतलों के लंबवत था, ऐसा किया था अपन ने, ठीक है। चलो पहले इसको और देख लेते हैं, एक आ गई है रेखा, अब इस रेखा में अगर मेरे पास ए बी सी का मान आ जाए तो रेखा की समीकरण आ गई अपने पास, दिक्कत कौन दे रहा है, ए बी सी यही निकालना है अपने को, याद आ रहा कुछ ऐसा किया था अपने समतल में। चलो आगे आ जाओ, तथा अब आपको दो रेखाएं दे रखी है अगले ने खुद ने, बताओ क्या क्या दे रखी है, एक्स माइनस आठ बट्टा तीन, वाई प्लस उन्नीस माइनस सोलह, और जेड माइनस दस बटा सात। एक रेखा दे रखी है, एक और दे रखी है, क्या है, एक्स माइनस पंद्रह बटा तीन, एक्स माइनस पंद्रह बटे तीन, वाई माइनस उनतीस बटा आठ, वाई माइनस उनतीस बटा आठ, और जेड माइनस पाँच बटा माइनस पाँच, ये समीकरण नंबर तीन। ये दो रेखाएं दे रखी है और ये अपनी रेखा है, अपनी जो रेखा है वो इन दोनों रेखाओं की लंबवत है, ऐसा बोल रहा है अगला, बोल रहा है ना, तो बारी बारी से ले लो, हम लिखेंगे चूंकि अपनी जो रेखा नंबर एक है वो लंबवत है दो के, लंबवत होने का कंसेप्ट क्या होता है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल जीरो। तो अपनी रेखा कितनी अनुपात है क्या, ए वन बी वन सी वन का मान ए बी सी, ये दूसरी रेखा हो गई ए टू बी टू सी टू का मान हो गया तीन माइनस सोलह और सात, तो बताओ ए वन ए टू कितना बनेगा, तीन है, बी वन बी टू कितना बनेगा, सोलह बी, सी वन सी टू कितना बनेगा, सात सी, और इक्वल क्या है जीरो, समीकरण नंबर चार दे दो। अब लिखेंगे तथा अपनी जो रेखा है एक वो तीन के भी लंबवत है, अरे है या नहीं है, तो एक और तीन में भी ए वन ए टू लगा दो, बताओ क्या हुआ, तीन है, आठ बी और माइनस का पाँच सी इक्वल जीरो, इक्वेशन नंबर आ गई पाँच। दो इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तीन जनों की वैल्यू नहीं निकलती है, दो इक्वेशन से दो जनों की वैल्यू निकलती है, तीन कैसे निकलेगी, पर हम रेशो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो से अनुपात कैसे निकालता है, अनुपात निकालने के लिए एक ही विधि होती है, देखो वैल्यू निकालने के लिए तो आप विलोपन प्रतिस्थापन से कई विधियाँ पढ़ते हो, लेकिन अनुपात निकालने के लिए एक ही विधि होती है, वो होती है वज्रगुणन विधि, कौन सी विधि होती है, तो चार व पाँच में, चार व पाँच में वज्रगुणन विधि से सिखाया था ना, वज्रगुणन विधि याद आ रहा है क्वेश्चन, अब तो समतल में सिखाया था, तो वज्रगुणन विधि में क्या करना है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो पहले लिख दो ए बटा फिर बराबर का चिन्ह माइनस बी, दूसरा माइनस का लिखना है, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, माइनस बी बटे और बराबर सी बटे, ऐसे लिखना है। ऐसा लिखने के बाद में ए बट्टा जैसे लिखेंगे ना, तो ए के बट्टा में लिखना क्या होता है, तो ए वाला गायब कर लो, ए वाला गायब करने के बाद जो दिख रहा है वो खाली गुणांक लिखने हैं, माइनस सोलह सात आठ और माइनस पाँच, खाली गुणांक लिखने हैं, ए बी नहीं लिखना साथ में, माइनस सोलह सोलह बी नहीं लिखना, ठीक है, माइनस सोलह और ये सात और ये नीचे आठ
और नीचे माइनस पाँच, यानी ए वाले को बंद करेंगे दोनों समीकरण का, ए बंद करेंगे तो क्या दिखता है आपको, है ना। अब बी बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है, तीन तीन सात माइनस पाँच। अब सी बंद करेंगे, बोलो क्या दिख रहा है सी बंद करते ही, तीन माइनस सोलह और तीन प्लस आठ, ठीक है। वज्रगुणों की विधि में वही सारणिक वाला सिस्टम होता है, तिरछा गुणा, ये गुणा पहले होगा फिर माइनस का चिन्ह लगेगा फिर ये वाला गुणा होगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, ए बटा अस्सी माइनस का चिन्ह आठ को सात से गुणा किया छप्पन, समझ रहे हो मेरी बात, बराबर माइनस बी बटा माइनस पंद्रह और माइनस इक्कीस, सी बटा चौबीस माइनस और ये हो गया माइनस अड़तालीस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अड़तालीस, ऐसे अरे समझ रहे हो क्या, ठीक आगे बढ़ते हैं थोड़ा व्यवस्थित कर लें। तो बताओ ए अपॉन कितना बन गया, चौबीस, बी अपॉन कितना बन गया, माइनस बी अपॉन पंद्रह और इक्कीस कितना होता रहे, छत्तीस, छब्बीस, छत्तीस सॉरी, माइनस का छत्तीस होता है, माइनस ऊपर वाला माइनस कट गया तो छत्तीस लिख देता हूँ मैं, और सी अपॉन चौबीस प्लस अड़तालीस कितना हो गया, बेहतर, सी अपॉन बेहतर। अब देखो इतना ही नहीं होता और भी इजी कर सकते हैं, बताओ ये तीनों आपस में किसी से कट रहे हैं क्या, अनुपात है ये, अगर कट रहे तो आप काट के भी लिख सकते हो, बोलो चौबीस छत्तीस और बेहतर किससे कट रहे, बारह से क्या, बारह से कट रहे हैं ना, तो ये बारह से कट गया दो बार, ये बारह से कट गया तीन बार और ये बारह से कट गया छः बार। अब वापस में नहीं कट रहे ना, अब तो यहाँ छोड़ दो, चलो वो भी रख सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू बड़ी थी छोटी कर दी मैंने, इक्वल टू कुछ मान लो लेमडा, तो वो तीन जने बराबर में आते मानते हैं, याद है ना आपको ये बात। अब बताओ यहाँ से ए बट्टा दो बराबर लेमडा है तो ए बराबर क्या आएगा, टू लेमडा, शाबाश। बी बराबर क्या आएगा और सी बराबर क्या आएगा, छः लेमडा। ए बी सी के मान, हमें ए बी सी के तो मान चाहिए थे, सभी कड़े करें तो ए बी सी के मान, समीकरण एक में रखने पर, चलो भी रखते हैं, क्या बना x माइनस एक बट्टे में क्या है a, a का मान क्या है दो लेमडा, y माइनस दो बट्टे में क्या है तीन लेमडा b का मान, और z प्लस चार बट्टे छः लेमडा। नीचे वाला अधिक अनुपात होता है क्या, बराबर में है क्या तीनों, आपस में काट सकते हैं क्या, अरे यहाँ भी तो काटा था बराबर में था तो कटे नहीं गया, वैसे लेमडा 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 कट गया आपस में बराबर में तो काट दिया, क्या बना रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण x माइनस एक बटा दो, वाई माइनस दो बटा तीन और जेड प्लस चार बटा छः। चलो बोलो बात समझ में आई नहीं है आपके, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका आप समतल वाले में देख लेना, आप उसमें मैंने सिखा रखा है, वो छोटा तरीका है कंपटीशन में काम में आ जाता है वो तरीका, ठीक है आगे बढ़ो। छठा, छठा देखो, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस दो चार और माइनस पाँच से जाती है, एक बिंदु दे दिया क्या आपको, रेखा का समीकरण पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं रेखा का समीकरण, और एक दूसरी रेखा दे रखी है उसके समांतर है, ये क्वेश्चन तो पीछे वाले एक्सरसाइज वाला नहीं आ गया क्या, अरे आ गया नहीं आ गया, एक बिंदु से गुजर रही है और दूसरी रेखा के समांतर, दूसरी रेखा के दिग अनुपात काम में ले लो, दूसरी रेखा के दिग अनुपात क्या है तीन पाँच छः, दिग अनुपात वो काम में आ गए, बिंदु अपने पास में आई बना लो रेखा का समीकरण, अरे बना सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एग्जांपल देखो कौन सा है पहले, सबसे पहले दस से पहले नहीं है क्या, दस नंबर एग्जांपल देखो आप, दो रेखाएं दे रखी है क्या आपको, मध्य कोण ज्ञात कर सकते हो आप, अरे कर सकते हो ना, लेकिन आप इसमें गड़बड़ कर सकते हो, तो पहला काम देख लेना क्या करना है, बताओ रेखा क्या दे रखी है, पाँच माइनस एक्स बटा तीन, तो पहले रेखा व्यवस्थित करना है, पाँच माइनस करते हैं उसको, एक्स माइनस पाँच करना है तो माइनस कॉमन लेंगे एक और वो नीचे आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे ना अपन, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, पहले रेखा को व्यवस्थित करना ज़रूरी है, अरे समझे नहीं समझे, ठीक है। अगला ग्यारह नंबर,
दी गई रेखाएं, दो रेखा देखिएगा आपको के मध्य कोण ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन जैसा आ गया एक्सरसाइज का 12 नंबर, देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु से तो गुजरती है और निम्न रेखाओं पर लंब है। अभी सेम क्वेश्चन किया, ये कही आ गया, अरे कर लोगे? अरे आपके ये कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा ना सर, ये क्या दिख रहा है? एक्स बटा एक बराबर वाई बटा दो बराबर जेड बटा तीन, ऐसी क्या रेखा है? एक्स बटा एक वाई बटा दो जेड बटा तीन, ये क्या है? अरे मगर इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये वास्तव में एक्स माइनस जीरो है, एक्स माइनस जीरो बटा एक वाई माइनस जीरो बटा दो जेड माइनस जीरो बटा तीन आ गए ना अपने वाले फॉर्मेट, तो बोले बिंदु जीरो 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 है इसमें, समझ में बात? हालांकि बिंदु की जरूरत नहीं पड़ रही हमें कोण निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए हमें हल्दी का अनुपात की जरूरत पड़ती है, नहीं समझे मेरी बात? ठीक है तो ये कर लोगे ना आप? और कौन सा एग्जांपल अभी आगे इतनी है क्या हो गई? चलो 14 पॉइंट कौन सी थी? ये 3 थी क्या? हो गई है। और 14.4 में अभी हमने थोड़े बहुत कंसेप्ट और बाकी है वो और करेंगे, उसके बाद 14.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया कंसेप्ट सीखेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। थैंक यू।